अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सबका रमज़ान जो है अच्छा गुजर रहा होगा, लेकिन सेहर के बाद वाला जो टाइम है ना वो अच्छा नहीं गुजर रहा, परेशान होंगे सारे, नींद आप लोगों की ख़राब की हुई है। लेकिन हमारे पास टाइम यूटिलाइज करने का यही बेहतरीन तरीका है। मुझे भी ये पाँचवा रमज़ान है, मैं इसी तरह मैनेज कर रहा हूँ, तो आप लोगों को भी इसी तरह करना होगा। आपसे बस दरख्वास्त है कि मेरे लिए और अपने लिए दुआ करें, और हमारे मुल्क में जो है कोरोना की वबा आई हुई है इसके लिए ख़ास तौर पर दुआ करें। अच्छा, ये मैथ के क्वेश्चंस हम लास्ट टाइम जो किए थे और उससे आगे हैं, ये आप साथ साथ ना नीट भी करते जाया करें। अच्छा, क्या है क्वेश्चन है? अच्छा क्वेश्चन है जी, इन द एग्जामिनेशन 45% स्टूडेंट्स फेल्ड and 550 students passed. What was the total number of students who appeared in the examination? वो कहता है 45% students fail हो गए। किसी क्लास के 45% students fail हो गए। फिर कहता है 550 students passed. लेकिन जो पास हुए वो 550 हुए। मतलब क्या? कि 45% fail हो गए। यहां उसने बता दिया कि 55% रह गए जो पास हुए, 55% रह गए, ये हम हो गया। फिर पास, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं हमसे, तो हमें उसने बताया 550 स्टूडेंट्स का। ये क्या है? फिफ्टी फाइव परसेंट ऑफ टोटल नंबर, टोटल नंबर को आप एक्स लेट कर ले, इज इक्वल टू 550। ये 550 क्या है? ये 55% है। किसका? टोटल नंबर का, जो टोटल तादाद है। ठीक है, अब क्या है, 55% को आप लिखते हैं 55/100, जीरो एक्स इज इक्वल टू 550। इसी तरह एक्स इधर रहा 550, ये जो 55/100 ये उधर जाएगा, घूम जाएगा, जीरो 100/100। अच्छा, ये बात ध्यान में रखें, इस तरह की कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को कि ये जब जमा तफरीक हो रहा हो फिर नहीं घुमाना, फिर तो उधर जमा इधर वो आके रकम मनफी की हो जाएगी, और इधर अगर उधर इधर मनफी की उधर जमा की हो जाएगी, जब जरब खा रहा हो फिर आप घुमाएंगे तो फिर वो उलट जाएगा सारा। तो ये क्या हो गया, 55 को किससे काटें, 55 को 10 को ये गया, और 10 और ये 100, टोटल नंबर हमारे पास आ गई, वो आ गई 1000, जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 1000 हमारे पास आ गई, टोटल तादाद कितनी है ये। अब पिज्जे की बात आ गई, पिज्जा क्या है? अब पिज्जा इज डिवाइडेड इनटू 12 स्लाइसेस, एक पिज्जे को 12 स्लाइसेस में डिवाइड किया गया, यानी कि उसके 12 हिस्से। अगर मैं कहूं 12 हिस्सों में डिवाइड किया, इसका मतलब एक ही नहीं है, अगर 8 में डिवाइड किया फिर उसका मतलब 8/8 होगा। ठीक है, अच्छा, एक पिज्जे को 12 स्लाइसेस में डिवाइड किया, फिर कहता है इफ 4 स्लाइसेस आर ईटन, उनमें से 4 स्लाइस क्या है वो खाए गए हैं, फिर क्या है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ पिज्जा इज लेफ्ट, जो पिज्जा रहा है उसकी फ्रैक्शन क्या है, ये पूछा है। आपको मालूम है, पता है, जिस तरह 4 खाए गए हैं ऊपर वालों में से खाने हैं ना, हमने या ऊपर वालों में से हमने खाने, 4 खाए गए हैं तो कितने बचे, 12 में से 4 निकाले तो कितने बचे, 8 बचे, 8/12 आ गए। ये वैसे आपका आंसर है, लेकिन अगर ऑप्शन में ये ऑप्शन हो फिर तो ठीक है ना, इसे सिंपलीफाई कर लें, किससे काटें, 2 6 12, हाँ ठीक, आगे फिर 2 3 4 2 6 कट गया, 2/3 इसका आंसर है। समझ आ गई ना, यानी कि जितने पीस खा लिए उतने ऊपर के में से कम कर दें और उसे आगे सिंपलीफाई कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन है नंबर अगला है, इफ y इज इक्वल टू 3x प्लस 12,
ठीक है सही। y इज इक्वल टू 5 बाय 1। अब इसमें सिंपल कीमतें पुट करनी है, सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि कुछ है जिनको नहीं समझ आता। तो y की जगह क्या करें आप, y की जगह हम 5 लिख दें, y इसमें 5 होता है 5 इक्वल टू 3x जमा 12 सही। यानी ये मैंने सारे स्टेटमेंट नीचे लिखी, y की कीमत उसकी जगह पुट की, बस आगे क्या करेंगे x हमने मालूम करना है। ठीक है एक्स मालूम कर लें तो आप यहाँ से इतना कर लें, 3x को यहाँ रह लें, ये 5x है, ये 12 इधर जमा के जाएगा मनफी का हो जाएगा 12। ठीक है आप बचा सात बच गया, बच गया। और ये एक्स के साथ ये जरूर था, ये दौरा के मनफी का साथ बचे, ये दौरा के बटे बना जाएगा एक्स इक्वल टू 60 7/3। जो आंसर है वो ये है 7x = -7/3 इसका आंसर है। जिसको कंफ्यूजन हो तो पूछ ले जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल मैंने लिखे हुए ताकि आपका टाइम बच जाए। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ केक रिमेन्स, फिर केक खाने के बाद बात आ रही है थोड़ा सा उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है, आप इसे कंफ्यूज ना हो जाए कि वो अब यहां पर 2/8 रुपए तक खाया गया सही है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ केक रिमेन्स व्हेन इट्स 2/8 पार्ट हैज बीन ईटन। 2/8 उसने बताया ना, इसका मतलब यह है पिज्जे को उसने 8 हिस्सों में तकसीम किया। निश्चित रकम से आपने अंदाजा करना है कि उसने पिज्जे को कितने उसने तकसीम किया, 8 में किया है, मतलब पिज्जा है 8/8। 8 को 8 से काटा तो एक ही आंसर आता है ना, एक पिज्जा एक है। ठीक है अब क्या है, वो कहते हैं उसमें से 2/8 खाया गया, यानी कि 2 पीस खाए गए, 2 पीस खाए गए, तो 2 पीस खाए गए तो क्या है आपका, इस ऊपर के में से 2 कम कर दें क्या बचेगा, ऊपर के 2 2 कम करेंगे तो क्या ये 6/8 आ गया। इसे आगे आगे मुझे सिंपलीफाई कर दें, 2 × 6 2 × 8 आगे उधर नहीं होगा तो 3/4 क्या है जी वो रह गया, पिज्जा 3/4 अपना रह गया। अगला क्वेश्चन है, इफ अ नंबर इज मच ग्रेटर देन 36, एक नंबर है वो 36 से उतना बड़ा है, हाँ इट इज लेस देन 86 जितना कि वो 86 से छोटा है। एक नंबर 36 से उतना बड़ा है जितना वो 86 से छोटा है, तो फाइंड द नंबर। इसके पेशमार देखें, एक तो ये है कि क्या करें आप नंबर को एक्सपेक्ट कर लें, वो 36 से उतना बड़ा है जितना 36 से छोटा है, उसमें से 36 को निकाल लें क्योंकि बड़ा नहीं है, इसको निकालेंगे 36 को निकालेंगे तो वो रकम आ जाएगी जो 86 में से उसको निकालने से आएगी। मैं करता हूं क्योंकि 86 से वो उतना ही छोटा है तो 86 में उसको माइनस कर दें तो वो जो आएगा जवाब वो दोनों को बराबर आएगा, ये दोनों फिर बराबर होगी, इनको आप सिंपलीफाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। क्या आया क्या है क्या है? अच्छा ये मनफी का एक्स है इधर आएगा, आगे ये हो जाएगा जमा का एक्स, एक्स जमा एक्स इज इक्वल टू 86, ये क्या है मनफी का 36 है उधर जाके जमा का 36 हो जाएगा, इनको आप जमा कर दें क्या आ जाएगा 122। ये 2x, ये 1x और 2x हो गए, 2x इक्वल टू 122। अब क्या है 2x इक्वल टू 122, अब 2 इधर उधर का तकसीम हो जाएगा, x इक्वल टू 122 बटा 2 2 61, तो जवाब क्या है। दूसरा तरीका एक और भी है आसान सा, ये टेक्निकल से बताया आपको, इन दोनों को जमा करें 86 + 36/2, यहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी, अगर आप यकीन करें कोशिश करेंगे ना तो आपको समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई होगी, अगर आपने वाकई कोशिश की होगी तो मैं आपको दोबारा समझाने को तैयार हूँ, आप मुझे मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखें कि ना ये क्वेश्चन को नीट ला दिया गया।
इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। ओके, चलो हाफिज़।